सुप्रभात बच्चों, अभी अभी हमारी फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट हुई है और उसके लिए आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आप सभी ने बहुत अच्छे से फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट अटेंड की है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मीन्स क्या? उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फर्क है, यह हम देखते हैं। उससे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, उदाहरण है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है लाल रंग में प्रतिदिन। लाल रंग में क्या दिखाया है? प्रतिदिन। अब ये लाल रंग में प्रतिदिन अलग कलर में क्यों दिखाया है वह मैं आपको बताती हूँ। दूसरा उदाहरण है, तुम बड़े ना समझ हो। तुम बड़े ना समझ हो। अब इस वाक्य में भी ना समझ यह शब्द आपको निराले रंग का दिख रहा है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण, लड़का बेकसूर था। और चौथा उदाहरण है, यह सरासर अन्याय है। यह सरासर अन्याय है। अब बच्चों, इन वाक्यों में पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा और चौथा, कुल मिला के चार वाक्य हैं। इन चारों वाक्यों में यहाँ पे प्रतिदिन, ना समझ, बेकसूर और अन्याय, यह जो चार शब्द है यह है उपसर्ग। लेकिन कैसे उपसर्ग मीन्स क्या, कैसे समझना है उपसर्ग, यह हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पर चलते हैं तो आपको डिटेल में वो एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना अब आपके समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे क्या दिया है, प्रति प्लस दिन, प्रति अधिक दिन बराबर प्रति दिन। अब इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ प्रति का रंग अलग दिख रहा है, मैंने वो वैसे दिखाया है पर्पजली, और यहाँ पे है दिन। तो इसमें मूल शब्द, मेन वर्ड, मूल शब्द क्या है? दिन। लेकिन उसके आगे हमने लगाया है प्रति। तो ये जो आगे लगाया है प्रति, मूल शब्द के आगे, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। मूल शब्द के आगे जिस शब्द का प्रकटीकरण, जिस शब्द का प्रकटीकरण होता है या जिस शब्द को सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब और भी कुछ उदाहरण देखते हैं तो आपके अच्छे से समझ में आएगा उपसर्ग किसे कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा यहाँ पे, ना प्लस समझ बराबर ना समझ। अब इसमें भी मैंने क्या किया है, ना को निराला रंग दिया है। समझ क्या है? मूल शब्द है।
और मूल शब्द के आगे जो शब्द लगा है ना, इसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। मूल शब्द के आगे लगने वाला जो शब्द होता है वह क्या होता है? उपसर्ग। ठीक है, तीसरा एक वाक्य देखिए, तीसरा उदाहरण है बेकसूर। इसकी रचना देखो कैसी है, बे प्लस कसूर बराबर बेकसूर। मिल के, प्लस मीन्स हम एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो बे में एक कसूर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, उसका बराबर क्या बनता है? बेकसूर। तो कसूर यह तो मूल शब्द है, लेकिन उसको हमने बे लगाया है, तो ये बे क्या हो गया? उपसर्ग। ठीक है, चौथा शब्द है, चौथा उदाहरण है अ प्लस न्याय बराबर अन्याय। इसमें भी न्याय मूल शब्द है और हमने क्या किया है? अ उपसर्ग लगाया है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके डेफिनेशन क्या होगी, हम देखते हैं। डेफिनेशन, जो शब्दांश, शब्दांश मीन्स शब्द, मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले, जो अभी हमने देखा अन्याय अ लगाता सामने, आगे न्याय के सामने अ लगाया था, तो अन्याय क्या हो गया? अ क्या हो गया? उपसर्ग। उसके बाद ना समझ था, समझ मूल शब्द है, उस मूल शब्द से पहले, ये देखो यहाँ पे दिया है, पहले हमने क्या लगाया था? ना, तो ना समझ। जुड़कर मीन्स जोड़ के, जोड़ा था हमने। और प्रतिदिन, दिन ए मूल शब्द है, उसके आगे, उससे पहले हमने क्या किया था? प्रति लगाया था, तो किया, और उसको दिन जोड़ के प्रतिदिन हुआ था। अब जैसे अ से अधर्म, अ से क्या बनता है? अधर्म। अ ये क्या है? उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? धर्म। मूल शब्द धर्म है यहाँ पे, और अ उपसर्ग लगाकर, अ उपसर्ग लगाकर बना है अधर्म। दूसरा है, मूल शब्द है सुरक्षा, और सुरक्षा को अ लगा के, अ क्या है? उपसर्ग। अ उपसर्ग लगा के उसका बना है असुरक्षा। सु क्या है? उपसर्ग है, तो सु से सुमति, सुशील, और बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको तीन ही दिए हैं समझने के लिए। तीसरा है उपसर्ग कु, कु से कुसंग, कुप्रथा आदि। ठीक है, तो ए क्या हो गए? अ, सु और कु, ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, आया समझ में? एकदम इजी है। इतना ही ध्यान में रखना है कि मूल शब्द से पहले जो शब्द आता है, या जोड़कर इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, मूल शब्द से पहले जो शब्द आता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है? अर्थ में परिवर्तन। अब कसूर, अर्थ में परिवर्तन यहाँ पे दिया है, देखो आपको, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब मूल शब्द क्या है यहाँ पे देखिए? धर्म। ठीक है, धर्म ये क्या है? मूल शब्द है, लेकिन जब हम उसको उपसर्ग लगाते हैं अ, तो उसका अर्थ बदलता है, मीनिंग में चेंजेस होते हैं, मीनिंग बदलता है, अर्थ बदलता है। मूल शब्द को जब हम उपसर्ग लगाते हैं तब उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है, इसका मतलब अर्थ बदलता है।
अभी यहाँ पे और एक उदाहरण मैं देती हूँ, संग। संग मीन्स अच्छा संग, अच्छे फ्रेंड होना, अच्छे लोगों के साथ रहना, वो हम क्या कहते हैं, हमारे सोबती, हमारे फ्रेंड्स अच्छे हैं। लेकिन कुसंग मीन्स अच्छे नहीं है, बुरे। तो अपोजिट मीनिंग यहाँ पे होता है। जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो मूल शब्द और उपसर्ग लगा के बनने वाला शब्द, इसमें अपोजिट अर्थ प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है, अपोजिट अर्थ मिलते हैं। जैसे बेकसूर में कसूर क्या है, उसका कुछ तो अपराध है, गुनाह है, वो कसूर है उसका। लेकिन बेकसूर मीन्स उसका, उसने कुछ भी अपराध नहीं किया है, उसका दोष नहीं है, ऐसा अर्थ बदलता है, ठीक है। उसके बाद आगे निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। देखिए शब्द क्या है, देश। अब देश को हमें उपसर्ग लगाना है, क्या उपसर्ग लगेगा देश को, विदेश। वी लगा सकते हो आप, और वी लगा के उसका बनेगा विदेश। दूसरा है, एक तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके आगे के जो पांच है वो आपको करने हैं, आपको लिखने हैं, ठीक है। दूसरा है ज्ञान। अब ज्ञान को कौन सा उपसर्ग लगेगा, क्या शब्द लगेगा, उसके अपोजिट क्या होगा। उपसर्ग में आपको इतना ध्यान रखना है जो मैंने बताया, कि मीनिंग बदलता है, अर्थ बदलता है, और अपोजिट बन जाता है उसका। तो अगर ज्ञान है तो ज्ञान का अपोजिट क्या आ सकता है, विलोम शब्द क्या आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखे उसको वो उपसर्ग लगाना है, वह एक शब्द आपको वहाँ पे जोड़ना है। तीसरा है शब्द मान। मान इसके अपोजिट क्या आएगा, क्या उपसर्ग लगेगा, आपको सोचना है, सोच के लिखना है, और आप लिख पाएंगे। चौथा है यश। यश का विलोम क्या बनेगा, क्या इसको उपसर्ग लगेगा, अ लगेगा, क लगेगा, स लगेगा, कौन सा शब्द लगेगा, आपको लिखना है। पांचवा है शब्द पुत्र। यही तीन शब्दों में से आएगा स, क और अ, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। और छठा है सत्य। सत्य का क्या उपसर्ग आएगा, क्या विलोम शब्द आएगा। इतना सिंपल टेक्निक है, मूल शब्द के पहले या मूल शब्द से पहले जो शब्द आता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरी बात और क्या ध्यान में रखना है आपको, अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। अगर कभी कभी आप भूल जाते हो, ध्यान में नहीं आ रहा है उपसर्ग मीन्स क्या, टीचर ने क्या बताया था, नोटबुक में क्या लिखा था, उसकी परिभाषा क्या है, अगर आप ये किसी कारण भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, तुरंत अपोजिट वर्ड याद करना है, ठीक है। ये हो गया उपसर्ग के बारे में, बहुत इजी है, सिंपल है। अब इसके साथ हमने देखा है प्रत्यय। अब प्रत्यय मीन्स क्या, उपसर्ग में तो शब्द से, मूल शब्द से पहले आता है वो उपसर्ग, लेकिन प्रत्यय में मूल शब्द के
पीछे, आगे और पीछे, शुरुआत में और अंत में, ऐसा आपको ध्यान में रखना है हमारा। नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय मीन्स क्या, प्रत्यय की परिभाषा क्या। देखिए प्रत्यय देखने से पहले कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे उपसर्ग के देखे थे। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो, कौन से वाक्य हैं? उसने मित्रता निभाई, उसने मित्रता निभाई। दूसरा है बचपन प्यारा होता है, बचपन प्यारा होता है। तीसरा है यह गुणी बालक है, यह गुणी बालक है। चौथा है लड़की समझदार थी, लड़की समझदार थी। अब इन वाक्यों में, जैसे मैंने उपसर्ग के वाक्यों में लाल रंग में आपको दिखाया था, वैसे यहाँ पे नहीं दिखाया है, क्योंकि हम थोड़ा सोच सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया उस उपसर्ग में क्या होता है, मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय में मूल शब्द के बाद में, पहले और बाद में, शुरू में और अंत में, ऐसा ध्यान में रखना है। लेकिन हमें कैसे समझेगा कि इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसको प्रत्यय लगा है, तो उसके लिए ही हम देखते हैं। यहाँ मित्र, पहले वाक्य में मूल शब्द क्या है, मित्र, और उसको लगा है ता, तो बना है शब्द मित्रता। इसका मतलब क्या, मूल शब्द के बाद में आया है ता। गुण दूसरे वाक्य में क्या है, तीसरे वाक्य में है गुण, गुणी, तो ये क्या है, गुण है। बच्चों में जो अच्छे बुरे गुण होते हैं उसमें से गुणी, गुणी का मतलब अच्छा गुण। दूसरे वाक्य में दिया है बचपन, और बचपन का यहाँ पे आया है बच्चा। और चौथे वाक्य में है समझदार, इसमें से मूल शब्द है समझ। ठीक है, तो देखिए मित्र, गुण, बच्चा और समझ मूल शब्द है। ठीक है, ये क्या है, मूल शब्द है। लेकिन इन शब्दों में, इन सब के अंत में क्रम से ता, पहले शब्द में क्या आया है ता, दूसरे शब्द में क्या आया है गुनी, गुनी, ई, ई का प्रोनाउंस होता है, देखो ई का उच्चारण होता है, जब आप गुनी बोलते हो तब ई, गुनी, गुनी, ई, ई का उच्चारण होता है, तो यहाँ पे आया है ई। और ता ई अक्षर या अक्षर समूह जुड़े है, समझदार, आर, अ का प्रोनाउंस होता है, आ आता है। तो इसका कैलकुलेशन क्या है वो हम देखते हैं, जैसे उपसर्ग का देखा था। ठीक है, लेकिन इतना आपके समझ में आया कि मूल शब्द है, उस मूल शब्द के बाद या मूल शब्द को जोड़कर, मिलाकर कौन सा शब्द आता है, ता आया है यहाँ पे। तो जो भी शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय, मूल शब्द के बाद में आने वाला या अंत में आने वाला शब्द कौन सा है, क्या है, प्रत्यय है। इसकी परिभाषा देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। प्रत्यय की परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है।
इनके प्रयोग से नया शब्द बनाया जाता है। सेम डेफिनेशन, सेम परिभाषा है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको अर्थ में विशेषता और प्रत्यय अलग रंग में दिखाए हैं। क्यों? इसका भी सेम है, जब हम प्रत्यय लगाते हैं मूल शब्द को तब उसके अर्थ में भी विशेष अर्थ प्राप्त होता है, उसका अर्थ बदलता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। इनके प्रयोग से नया शब्द बनाया जाता है। जैसे मित्र, मित्र और मित्रता, मित्र अलग है, जो दोनों हो सकते हैं मित्र, लेकिन मित्रता ये क्या है? गुण है। और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे उड़ प्लस आन, उड़ान। अब इस ड के प्रोनाउंस में, उच्चारण में क्या आता है? आ, तो उड़ान। उड़ना या उड़, ये क्या है? अलग शब्द है। लेकिन जैसे मित्र अलग है और मित्रता, यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स नहीं आते हैं, अपोजिट मीनिंग वाले शब्द नहीं आते हैं, अर्थ सिर्फ बदलता है, सिर्फ अर्थ बदलता है। अब यहाँ पे मूल शब्द होगा मीन्स है उड़ान। तो इसकी रचना देखो कैसी है, उड प्लस आन। डा और आ, जब हम उड़ान कहते हैं तब आ का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो रचना है वो ऐसी है, उड़ प्लस आन इज इक्वल टू उड़ान। दूसरा शब्द है झगड़ प्लस आलू इज इक्वल टू झगड़ालू। अब समझो यहाँ पे सिर्फ दिया है आपको झगड़ालू और आपको ये रचना करने के लिए कहा है, या ये शब्द आपको दिया है और प्रत्यय अलग करने के लिए कहा है, तो कैसे आप करेंगे? इस तरह के उदाहरण मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो यहीं पे समझ लीजिए कैसे करना है। झगड़, ये तो मूल शब्द है झगड़, और झगड़ालू, जैसे मित्र से मित्रता वैसे झगड़ से झगड़ालू बना है। लेकिन यहाँ पे जो डा है, झगड़ा, डा, आ का प्रोनाउंस होता है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। जब हम लिखते हैं तब आ नहीं लिखते हैं, लेकिन जब उच्चारण करते हैं उस शब्द का तब उच्चारण में आ आता है, आ का प्रयोग होता है उच्चारण में। तो हम क्या करेंगे, इसका लिखते समय झगड़ प्लस आलू लिखेंगे, सिर्फ रचना करेंगे इसी झगड़ अधिक आलू, लेकिन लिखते समय सिर्फ मूल शब्द आएगा झगड़, उसको प्रत्यय लगाएंगे आलू, झगड़ा आलू। कोई कोई शब्द ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्टली आपको प्रत्यय दिया होगा, जैसे मित्रता है, एकदम इजी है, मित्र अलग करना है और ता अलग करना है, मित्र प्लस ता इज इक्वल टू मित्रता। लेकिन कोई कोई शब्द ऐसे है जिसके उच्चारण के माध्यम से आपको तय करना है कि उसकी रचना करते समय कैसे करना है। जब ई का उच्चारण होता है तो आपका ई आएगा रचना में, आ का उच्चारण होता है तो आ आएगा जब रचना करेंगे, ऐसी रचना करेंगे झगड़ प्लस आलू। अब आलू तो इस शब्द में नहीं है, लेकिन उच्चारण होता है, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ता है। तीसरा है दौड़ प्लस ना, दौड़ तो मूल शब्द है और ना जो प्रत्यय लगा है वो भी बेसिक है, यहाँ पे आ का प्रोनाउंस नहीं है, दौड़ना, आ दौड़ना,
ना के बाद आ होता है, अंत का प्रोनाउंस है, हो अंत का उच्चारण है, तो ओ हम नहीं लिखते हैं। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है यहाँ पे, दूसरा टेक्निक, ना जो है सिंगल है, इसके बाद शब्द नहीं है। अगर इसके बाद कुछ शब्द होता तो हम क्या करते, आ लगाते यहाँ पे। आया समझ में? सिंगल है, यहाँ पे दो है आलू, तो इसलिए ये झगड़ालू। जब आ का प्रोनाउंस होता है तो आ प्रोनाउंस के बाद भी यहाँ पे एक शब्द है, झगड़ालू, डालू। आ का प्रोनाउंस होता है, उच्चारण होता है, उसके बाद यहाँ पे लू आया है। लेकिन इस शब्द में दौड़ना, ना का उच्चारण आ होता है लेकिन उसके बाद, ना के बाद यहाँ पे शब्द नहीं है, इसलिए हमने रचना में भी, रचना में भी आ का निर्देश किया नहीं है। ठीक है, सिंपल क्या आपको माइंड में रखना है, उपसर्ग मीन्स क्या, मूल शब्द से पहले लगता है और अपोजिट वर्ड्स विलोम शब्द बनता है। प्रत्यय में क्या ध्यान में रखना है, अर्थ में बदल होता है लेकिन विरुद्ध विलोम अपोजिट वर्ड नहीं बनता है। प्रत्यय में क्या होता है, सिर्फ अर्थ बदलता है और मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में जो शब्द आता है उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग कीजिए, जैसे अभी हमने किया था। अब देखो यहाँ पे वीरता, जैसे मित्रता वैसे यहाँ पे है वीरता, तो वीर प्लस ता इज इक्वल टू वीरता, ऐसा हम, इसकी रचना ऐसी आएगी क्योंकि ई का आ का उच्चारण नहीं हो रहा है। भारतीय, तीय, तो ई जो बड़ी ई की मात्रा है तो उस ई का उच्चारण होता है, क्योंकि यहाँ पे ती जो है वो भी क्या है, दूसरा है, ती दूसरा है, तो हम यहाँ पे रचना में ई लिखेंगे, जो बड़ी ई की मात्रा है ना, ओ लगा के ओ ई को लिखेंगे। लेकिन कैसे रचना करेंगे, और उस ई के बाद भी य आया है तो हमें ई लिखना है। अगर ई प्रोनाउंस हो रहा है, उच्चारण हो रहा है लेकिन उसके अंत में एक भी वर्ड नहीं है, एक भी शब्द नहीं है, तो हमें वो ई नहीं लिखना पड़ता। लेकिन ई के बाद य आ रहा है तो हमें वो ई लिखना है। आया ध्यान में? और एक टाइम हम इसको ना बोर्ड पर समझ लेंगे, बोर्ड पर मैं समझाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आज जितना हुआ है, सिखाया है, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर डिफ़िकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो मुझे आप पर्सनल पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, और फीडबैक सेशन में भी हम इसका रिविज़न करेंगे, वो मैं आपको लिख के बताऊंगी क्या फ़र्क है, क्या नहीं है, कैसे आता है। अब यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। बाकी के आपको करने हैं, कोशिश करनी है। मैं तो इसके उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फीडबैक सेशन में हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अभी तो आपको इसकी ट्राई करनी है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।